हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरिफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पैन कार्ड कैसे ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि आपका पैन कार्ड कहां है, काफ़ी दिन से आप परेशान हैं, आपका पैन कार्ड आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इस वक्त आपका पैन कार्ड कहां है। तो कैसे चेक करना है, तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर लेना है एक्नॉलेजमेंट नंबर के द्वारा। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में जब आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, तो उस नंबर से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, वो नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपका पैन कार्ड डिस्पैच हो गया होगा। यदि आपका पैन कार्ड प्रिंट होने के बाद अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ होगा तो आपको वो ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलेगा। ये पैन कार्ड इंडियन पोस्ट के द्वारा ही आता है। यदि आपको वो ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है तो आप इंडियन पोस्ट के द्वारा आसानी से अपना पैन कार्ड पता लगा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ है। और अगर आप स्टेटस चेक नहीं करना चाहते तो सबसे पहले आप अपना SMS चेक कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ट्रैकिंग नंबर NSDL के द्वारा भेज दिया गया हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंडियन पोस्ट की वेबसाइट से अपना पैन कार्ड कैसे ट्रैक करना है इस नंबर से। तो इसके लिए आपको इंडियन पोस्ट की इस वेबसाइट पर आना है। ये इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक कंसाइनमेंट लिखा हुआ दिखेगा, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसके नीचे एक बॉक्स होगा, तो यहाँ पर आपको उसी ट्रैकिंग नंबर को डालना है। ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक कुछ नंबर होगा, तो इसे आपको सोल्व करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड भी हो सकता है, तो यहाँ पर 5-1 है, तो इसका जो आंसर है वो 4 है। अब इसके बाद आपको ट्रैक नाउ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी डिटेल आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए, करंट स्टेटस में जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है आइटम डिलीवरी कन्फर्म्ड, यानी कि जो ये पैन कार्ड है वो मुझे मिल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका पैन कार्ड किस पोस्ट ऑफिस में है। यहाँ पर डेट, टाइम, ऑफिस और इवेंट सब कुछ लिखा होता है। आप आसानी से सब कुछ देख सकते हैं कि आपके पोस्ट ऑफिस में अभी आया है या नहीं आया है आपका पैन कार्ड। तो जैसे ही आपका पैन कार्ड आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा तो आप चाहें तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर भी अपना पैन कार्ड ला सकते हैं, वरना आपके घर पर ही आपका पैन कार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।